बड़ी और अहम जानकारी जो कि देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। और आपको बता दें कि जहरीली शराब कांड को लेकर यह बयान दिया गया है। हरिद्वार की पथरी क्षेत्र में हुई घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा बयान में अपने सीएम धामी ने कहा है। आगे अपने बयान में कहा कि मामले की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश जो है दे दिए गए हैं। आबकारी विभाग के 9 कर्मिकों को निलंबित किया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसा सीएम धामी ने कहा है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें जो कि देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान आया है। और इसी के साथ जहरीली शराब कांड को लेकर यह बयान सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा दिया गया है। आपको बता दें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने बयान में कहा कि हरिद्वार के पथरी क्षेत्र में हुई जो घटना हुई है वो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, और मामले की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश भी सीएम धामी द्वारा दे दिए गए हैं। आबकारी विभाग के 9 कर्मिकों को निलंबित किया गया है, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये तमाम बातें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने बयान में कही हैं।